मेरे साथ में है इस समय अतुल गुप्ता जी, मेरे मित्र हैं और इनके फादर को कैंसर डायग्नोज हुआ था और सही समय पर पता लग गया और इन्होंने पापा का ट्रीटमेंट चालू कर दिया जयपुर में एक बड़े हॉस्पिटल से। और ऐसे जैसे मेरा मोबाइल का आउटलेट है, एक बार भैया मेरे पास आए थे तो मैंने कहा भैया एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ। स्टार्टिंग क्या था आपने, मेरे ख्याल से आपको खुद को भी इतना आइडिया नहीं था। हाँ, स्टार्टिंग टाइम था मेरा और मैंने कहा यार कैंसर के ऊपर बहुत जबरदस्त काम करता है अतुल भैया, प्लीज एक बार ये अगर कैंसर डायबिटीज और सब पर काम करता है, हार्ट अटैक, तो इनके दिमाग में बात क्लिक करी। अतुल भैया अगले दिन मेरे पास आए तो अब उसके बाद क्या हुआ अतुल भैया खुद बताएंगे और क्या क्या फायदा मिला इनको पापा के उस डिसऑर्डर और डिजीज के अंदर, आप जानना चाहते हैं तो सुनिए अतुल भैया के मुँह से। बताइए अतुल भैया। बस फरवरी 2020 से पापा का मैंने स्टार्ट कर दिया था आपका ये आईपल्स। हाँ, लॉकडाउन के ठीक पहले, बिल्कुल सही बात है। और पापा ने पीना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने जो 15 दिन में उन्होंने डॉक्टर ने उनको टेस्ट के लिए बोला था जो भी है कि WBC और RBC, हीमोग्लोबिन आपका जो भी है वो आप चेक करवाते रहिए, क्रिएटिनिन वगैरह, तो वो उन्होंने चेक करवाया। उनका चेक करवाने से जो ऑलमोस्ट था वो बढ़ा नहीं और वो कांस्टेंट चलता रहा, हीमोग्लोबिन 10+ चलता रहा उनका और ऑर्गेंस उनके बिल्कुल सारे सही काम कर रहे थे। हीमोग्लोबिन था 10+ था उनका और RBC भी एकदम करेक्ट थी, प्लाज्मा वो प्लेटलेट्स भी सही थे एकदम। सिर्फ WBC जो उनकी बढ़ी हुई थी वो थोड़ी सी रिड्यूस हुई थी और उसको पापा ने कंटिन्यूड रखा। और उनकी बाद में WBC जो थी जिसके कारण से डॉक्टर्स ने जो किया था डायग्नोसिस की भाई उनके कैंसर है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, हाँ हाँ, वो वाइट ब्लड सेल्स उनके काफ़ी रिड्यूस हो गए थे, उनके आ गए थे 34,000 ऑलमोस्ट 84,000 से उनके 34,000 तक आ गए थे और एक समय पर उनके 23,000 जो अपने WBC होने चाहिए 8,000 से 11,000 की रेंज में वो उनके बढ़े हुए थे 80,000 तक। और अभी उनके ले 2 महीने 1.5 महीना पहले मतलब ऑलमोस्ट नवंबर में उनके 23,000 भी आ गए थे। अच्छा, 23,000 तक आ गए। ओके। और एकदम उनका वेट रिड्यूस नहीं हुआ बिल्कुल भी उनके किसी भी प्रकार, यानी वेट बिल्कुल एज इट इज है। 67 kg था बीच में जब वहाँ से हॉस्पिटल से आए थे। डॉक्टर ने क्या बोला था एक साल पहले जब कैंसर डायग्नोस हुआ था, फादर ने उन्होंने कहा था कि आपके फादर के पास एक साल का समय है, जनवरी में डायग्नोसिस हुआ था और उनकी जो रिपोर्ट्स के आधार पे था उन्होंने कहा था जनवरी मतलब आपका मैक्सिमम टाइम एक साल का है आपका। दोस्तों, एक साल का समय दिया गया था, डॉक्टर्स ने खुद ने डिक्लेयर कर दिया कि इनके फादर के पास पूरी जिंदगी में एक साल बचा है। वो यही बोला था जो भी आप उनका ध्यान रख सकते हो, जो अच्छा से अच्छा खिला की बात ये खुशी की बात है कि उन्होंने एक चीज कही थी कि आप जो अच्छे से अच्छा खिला सकते हो वो खिला दो। और मेरे दोस्त अतुल जी ने अपने पापा को सबसे अच्छा प्रीमियम जो दे रहा हूँ और ये कंटिन्यू कर रहे हैं। खुशी की बात है पापा आज भी वैसे लगते हैं जैसे आज के एक साल पहले लगते थे। कोई कह के उनको देख के कह नहीं सकता कि इनको कैंसर है, तो पापा को देख के कोई भी नहीं कह सकता कि इनको हो सकता है। दोस्तों, आज से एक साल पहले भी वैसे ही थे जैसे आज से आज दिखते हैं बिल्कुल, आज भी अपना पूरा काम खुद करते हैं, आज घूमने जाते हैं, निकलते हैं, सारे काम करते हैं और जो फिट है मतलब जैसे फिट थे वैसे ही फिट है। और जो सिस्ट के बारे में आप बता रहे थे, हाँ, वो लंग्स में उनके जो आई थी ना वो तो देखो वो पता नहीं एक्चुअली में, हाँ। डॉक्टर्स ने भी इसलिए नहीं बोला कि इसकी वजह से भी, हाँ हाँ, आपके हो सकता है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने बोन मेरो से बोला था उन्होंने। अच्छा। उस समय तो कैंसर जो डायग्नोज किया था। अच्छा। ये तो बाद में आई थी। अच्छा। जब वहाँ पे इलाज के दौरान जो रेमेडी लगी थी ना, हाँ, वो क्या बोलते थे, क्या लगी थी उनके कीमो, हाँ हाँ, जो 2 कीमो लगी थी महावीर कैंसर में, हाँ हाँ, उसके बाद पापा को निमोनिया हो गया था, हाँ, और बुखार हो गया था और वो 13-14 दिन तक चला था उनके वहाँ पे और लंग्स में पानी उभर गया था। अच्छा। तो लंग्स का पानी, लंग्स में जब इनके इन्फेक्शन आया था तो CT स्कैन करवाया था तब वो डायग्नोसिस हुई थी वो सिस्ट। ओके। तो डॉक्टर ने उस समय ये सोचा था कि भाई सिस्ट की वजह से भी कैंसर, ये कैंसर की गांठ हो सकती है। अच्छा। तो इसलिए है ना कुछ पता नहीं था उनको कि वे लंग्स की वजह से हो रखा है या उनके बोन मैरो में, ये पता नहीं है। लेकिन अभी उनकी जो सिस्ट है वो एक साल बाद मैंने अभी दिसंबर में, वैसी की वैसी है, एक हफ्ते पहले मैंने उनका CT स्कैन वापस करवाया, हाँ। वो सिस्ट उतनी की ही उतनी है, कोई बड़ी नहीं है, कोई घटी नहीं है। और उसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसी की ऐसी है तो आप इसको समझो कि आप ठीक हो, बिल्कुल ठीक चल रहे हो।
तो उन्होंने कहा आपका वेट भी, आप कितना विश्वास करते हैं अतुल भी आईपल्स के ऊपर? मैं तो 100% ही करता हूँ सर, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। यानी इसको क्या कहना चाहेंगे इसके लिए कि वाकई में इस कंपनी का बहुत बड़ा आविष्कार है? आविष्कार आपके पापा को नहीं? मैं कह रहा हूँ जो स्वस्थ आदमी है अगर वो लेता है तो उसके तो बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी जैसे जो मेरे को खुद अनुभव जो हुआ है और जो चीज मैंने इतने रेगुलर पापा ने खुद ने विश्वास से लिया, सबसे बड़ी बात यह है कि पापा को जल्दी से इन चीजों पे रहता नहीं है, वो तो वो डॉक्टर नीतन लेते ही क्यों, वो बिल्कुल ठीक बात, जो उन्होंने कीमो ली उनको 81 इयर्स के हैं पापा। पापा को कौन से स्टेज का कैंसर था उस टाइम? स्टेज तो उन्होंने ऐसे कुछ नहीं बताई थी, ये बोलते स्टेज नहीं होती, ये जो कैंसर की सेल्स है ना वो किस स्पीड से बढ़ती है वो मरीज के उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो उस हिसाब से उन्होंने डायग्नोसिस किया था कि उन्होंने जो पिछला रिकॉर्ड था उसको सोचते कि ये चीज है तो इनके पास एक साल का टाइम है, तो ये नहीं बताया था उन्होंने कि ये कौन सी स्टेज का है। बस ये कहा था कि भाई आपके पास आपके पापा को ध्यान रखने के लिए और उनसे प्रेम मोहब्बत से बात करो, उनको अच्छा से खिलाओ पिलाओ, आपके लिए एक साल का टाइम। आप कितने साल सोचते हैं पापा की उम्र? और मैं तो कम से कम पापा को मैंने उसी समय पापा को जब मैंने ये बंद करवाई थी पापा को, उन्होंने ओरली कीमो जो बोलते हैं वो दवाई दी थी वो भी मैंने छुड़वा दी थी। अच्छा, मैंने कहा आप सिर्फ ही लो और मैंने कहा आप मेरे कहने से है ना 7 से 8 साल बिल्कुल आप सर्वाइव करोगे। मैंने पापा को ही बोला था, मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप खाली ये ले लो और उसकी दवा छोड़ दो अपने जो अभी कीमो वगैरह कुछ भी नहीं करा रहे हैं। अभी वो ओरली कीमो वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, कीमो तो उन्होंने दो ही की थी उसके बाद, क्योंकि हाँ उसके बाद उनके बस की नहीं थी, 81 इयर्स के थे पापा। अच्छा, उसके बाद रेगुलर आईपल्स अपना काम रेगुलर कर रहा, रेगुलर ले रहा हूँ। 100 में से मैं तो 100 ही दूंगा। ये है हमारे इस दुनिया के नंबर वन प्रोडक्ट की ताकत, आईपल्स की ताकत, कि ये उस इंसान को नई जिंदगी देता है जहां पर एलोपैथिक अपने हाथ खड़े कर देती है, जहां पर डॉक्टर्स बोल देते हैं कि ये बात है। अगर अभी मैं जाके डॉक्टर्स को इनकी रिपोर्ट, उनको तो मैं मिला ही नहीं उसके बाद से, अगर मैं जाके दिखाऊं कि डॉक्टर साहब आपकी जो रिपोर्ट थी उससे आपकी दवाई बंद की हुई है, और उनको ये नहीं बताऊं कि ये दे रहा हूं, उनको तो पता भी नहीं मैं दे रहा हूं, अगर उनको पता लगे कि ये दे रहा हूं तो शायद हो सकता है कि वो भी कुछ लोगों को बोले या करें, वो तो पता नहीं अब करें कि नहीं करें, लेकिन ये है कि उनको आश्चर्य होगा कि ये रिपोर्ट आ कैसे रही है इनकी। जय हो अतुल भैया, पापा की जय हो, आपकी जय हो कि आपने इतने विश्वास के साथ अपने फादर को दिया, क्योंकि आप पापा से बहुत प्यार करते हैं। बाकी मैं बताऊं, इस दुनिया में बहुत से ऐसे शख्स हैं जिनको हम बताते हैं लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता, और इसलिए नहीं होता, और सोचते हैं यार लाखों रुपए की दवाइयां काम नहीं कर रही, 3000 रुपए का जूस क्या काम करेगा, और वो सोचते हैं फिर हम कहीं लुट तो नहीं रहे। बोले आजकल ऐसे प्रोडक्ट दिन भर कई बेचने वाले आते हैं, वो थोड़ी सी कहना अविश्वास यही हो गया कि लोगों को लगता है कि भाई दिन भर ऐसे टीवी पे और उन पे आता रहता है, ये भी कहीं से सुनाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस मेरे को इंसिस्ट कर रहा है या मेरे को दोस्तों, ये दुनिया का पहला प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट के ऊपर साफ लिखा हुआ है एंटी कैंसर सपोर्ट। ऐसा कोई प्रोडक्ट इस दुनिया में नहीं आया जिसमें एंटी कैंसर, इम्यून हेल्थ सपोर्ट, हार्ट सपोर्ट, नंबर वन एंटी ऑक्सीडेंट फॉर एंटी एजिंग, और इस दुनिया का सबसे रिच एंटी ऑक्सीडेंट है। इस दुनिया का जो सबसे महंगा फ्रूट असाई बेरी आता है जिसका ऑक्सीजन लेवल सबसे ज्यादा होती है, जो केवल ब्राजील के रेनफॉरेस्ट के जंगलों में उगता है। जी हाँ दोस्तों, जिस अकेले फ्रूट की ऑक्सीजन लेवल कैपेसिटी इस दुनिया में सारे फ्रूट से ज्यादा है, 1,02,700 इसके 100 ग्राम की ऑक्सीजन लेवल कैपेसिटी है, जो हमारे वाटरमेलन हम खाते हैं उससे 1027 गुना पावरफुल प्रोडक्ट फ्रूट है। तो दोस्तों ये लेना शुरू कर दीजिए, और जैसे अतुल भैया के फादर ने एक नई जिंदगी पाई और अतुल भैया को जिंदगी दी, आज उन्होंने अपनी पोती की शानदार शादी धूमधाम से अपनी आंखों के सामने की, नहीं तो जैसा कि डॉक्टर बोले थे कि एक साल का टाइम बचा, हो सकता है इस समय अपने पापा की देखरेख में लगे होता पूरा परिवार, लेकिन पापा के साथ साथ पूरा परिवार आज बेटी की शादी में लगा हुआ था। ये है इस आईपल्स की ताकत, पूरा एंजॉय किया शादी को उन्होंने और बड़े खुश थे, जो उन्होंने सोचा था उस हिसाब से। थैंक यू अतुल भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों मेरा नंबर 8560999666 है, आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं अगर इस प्रोडक्ट के बारे में और भी है, 8560999666 या 9214065165, जब चाहे कॉल कीजिए, विश्वास के साथ खुद पिए, लोगों को पिलाएं, खुद नई जिंदगी जिए, लोगों को नई जिंदगी दें। थैंक यू सो मच।